आज हम आपकी नेक्स्ट कलरिंग वर्कशीट कंप्लीट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 10 लेटर जे अल्फ़ाबेट। आप अपने स्कूल के नोट्स में से इंग्लिश सब्जेक्ट में से लेटर जे अल्फ़ाबेट कलरिंग वर्कशीट निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको वैक्स कलर और पेंसिल क्रेयॉन्स की आवश्यकता होगी। आइए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं आपको ऊपर बॉक्स, एक बड़े से बॉक्स में दो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से फर्स्ट लेटर है कैपिटल जी एंड सेकेंड वाला है स्मॉल का जे। तो आइए हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। आपको क्रेयॉन्स की हेल्प से इन दोनों शेप्स में कलर करना है, कैपिटल जी और स्मॉल जे में। यहाँ पर इसी के साथ आपका फर्स्ट वाला सेशन कंप्लीट होता है। सेकेंड वाले बॉक्स में हम देख सकते हैं आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं और ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कलर द इमेजेस दैट स्टार्ट विद द लेटर जे। यहाँ पर आपको फोर इमेजेस दी गई हुई हैं, जिनमें से आपको उन इमेजेस में कलर करना है जिनकी स्पेलिंग लेटर जे से स्टार्ट होती है। तो आइए हम नीचे इमेजेस और उनकी स्पेलिंग सिर्फ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको बना हुआ है एक जैकेट। तो क्या जैकेट की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है? तो यस, जैकेट की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, इसलिए हम जैकेट में भी कलर करेंगे। मैं आपको केवल मार्क कर दे रही हूँ, आपको उसके अंदर घर पर प्रॉपर कलर करना है। ध्यान रखना है कि कलर इमेज के बाहर ना जाए। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर बना हुआ है एक, सेकेंड नंबर पर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर बना हुआ है एक इंसेक्ट। तो क्या इंसेक्ट की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है? नहीं, इंसेक्ट की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसमें भी कलर नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पर यहाँ पर बनी हुई है एक जेलीफिश की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है। यस, जेली की स्पेलिंग होती है GELLIFISH। तो जेली की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होने के कारण हम यहाँ पर जेलीफिश में भी कलर करेंगे। तो यहाँ अभी तक हमने यहाँ पर जैकेट के जे में कलर किया है, जेलीफिश के एफ में कलर किया है। जेलीफिश में कलर कर रहे हैं और जैकेट में कलर कर रहे हैं। लास्टली यहाँ बनी हुई है एक फॉक्स। फॉक्स की स्पेलिंग होती है FOX। तो क्या इसमें हम कलर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है एफ से, इसलिए इसमें हम कलर नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको केवल जैकेट और जेलीफिश टू इमेजेस में कलर करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। लास्टली हम यहाँ देख चुके हैं कलर द सर्कल्स विद द लेटर्स कैपिटल जे और स्मॉल जे। तो यहाँ पर आपको सर्कल्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कैपिटल जे या स्मॉल जे अगर उन सर्कल्स के अंदर हैं तो हमें यहाँ पर उसमें कलर करना है। तो आइए हम देख लेते हैं, हमने ऊपर जो ये जो बड़े से दो कैपिटल जे और स्मॉल जे में कलर किया है, क्या वो नीचे लिखे हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है कैपिटल जे। तो क्या ये जे वाला है? तो यस, वो इस जे से मैच करता है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर के बॉक्स में कलर करेंगे, फर्स्ट नंबर के सर्कल में कलर करेंगे। सेकेंड यहाँ बना हुआ आर, तो क्या ये जे है? नहीं, इसलिए हम इसमें कलर नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पर ये है क्या है? स्मॉल जे जो इससे मैच कर रहा है, इसलिए हम इसमें कलर करेंगे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर बना हुआ है एन जो इस जे से मैच नहीं करता है, इसलिए हम इसमें कलर नहीं करेंगे। लास्ट नेक्स्ट बना हुआ है यहाँ वाई, क्या हम इसमें कलर करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इस जे से मैच नहीं करता। नेक्स्ट बना हुआ है के, क्या ये जे से मैच करता है? नहीं, इसलिए हम इसमें भी कलर नहीं करेंगे। नीचे आप देख पा रहे होंगे केवल फर्स्ट और थर्ड नंबर के सर्कल में हम कलर करेंगे जिसके अंदर कैपिटल जे और स्मॉल जे लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारी यानी वर्कशीट कंप्लीट होती है।